हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जो आरएसी के लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे चल रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आरएसी से जुड़े प्रश्नों के बारे में, यानी कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग टॉपिक है उससे बन सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आप CTI की एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही दृष्टि से जो हमारा ये क्वेश्चन है क्या है, ये बहुत ही उपयोगी है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आप CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे ये हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस हो सकेंगे हम करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है, यानी कि जो लिक्विड से आग लगती है। जिसे आपको पता है कि आग लगने के कई तरीके हैं, कोई हमारा ठोस ईंधन से आग लग रहा है, कोई लिक्विड ईंधन से आग लग रहा है, और कोई हमारा क्या गैस से आग लग रहा है। तो यह आपसे पूछा है कि अगर ज्वलनशील तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड से अगर आग लग जाए तो उसको हम किसके द्वारा बुझाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि उसको हम किसके द्वारा बुझाते हैं, उसको हम CO2 के द्वारा बुझाते हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टिन मैन सोल्डर की सामग्री संरचना क्या है। तो टिन मैन सोल्डर की जो सामग्री होती है, संरचना, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें होता है 50% टिन और 50% लेड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर B होगा वो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा है पीतल बनाने के लिए जस्ता के साथ कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है। तो जो पीतल बनाने के लिए उसके साथ किसका उपयोग किया जाता है, जिंक के साथ हमारा कॉपर का उपयोग किया जाता है। और इसमें आपसे पूछे कि परसेंटेज कितना कितना होता है, तो कॉपर का परसेंटेज होता है 70%, और जबकि जिंक होता है हमारा 30%। ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा है चीजल का प्रकार क्या है, यानी कि जो फिगर में हमारी चीजल दिखाई गई है, जो हमारी छैनी दिखाई गई है, वो किस प्रकार की छैनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, यानी कि जो इस प्रकार की हमारी चीजल होती है, ये है हमारी डायमंड नोज चीजल। अब डायमंड नोज चीजल का उपयोग भी कभी कभी पूछता है किस लिए किया जाता है, तो इसका इसका जो उपयोग है वो कीवे काटने के लिए, यानी कि जो सॉफ्ट में कीस फंसाने के लिए हमारे जो खांचे बने होते हैं उसके लिए किया जाता है, और ग्रूव्स यानी कि जहाँ भी अगर कहीं हमें खांचे काटने हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा है आउट माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया भाग है, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको जो ये भाग दिख रहा है इसका आपको नाम बताना है। तो ये जो हमारा भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा है मैलेट बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन दिया है लकड़ी और रबड़, तीसरा ऑप्शन दिया है रबड़ पीतल, और चौथा ऑप्शन दिया है लकड़ी या पीतल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो मैलेट बनाने के लिए हम या तो लकड़ी का उपयोग करते हैं या तो रबड़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो मैलेट का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, सीट मेटल वर्क में किया जाता है, तो सीटों पर कोई निशान न बने इसलिए हम मैलेट को बहुत ही हार्ड सामग्री का नहीं बनाते हैं, उसको हम किसी मुलायम सामग्री का बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली मोड़ ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है, यानी कि पॉइंट एंगल कितना होता है, अगर हम किसी जिंक एलॉय यानी कि जिंक मिश्र धातु पे काम कर रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो जस्ता मिश्र धातु के लिए अगर हम कोई ड्रिल यूज कर रहे हैं तो जो उसका कोण होगा हमारा 118 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे पूछा है बिजली के उपकरणों पर लगी आग को कौन बुझाता है, यानी बिजली से जो आग लगती है
उसको हम किसके द्वारा बुझाते हैं, तो उसको हम बुझाते हैं हेलॉन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है सीट मेटल वी नॉच में एक्स रूप में चिन्हित कोण कितना होता है, यानी कि अगर जो हमारा वी ग्रूव होता है वो कितने कोण पर बना होता है। तो आपको सिंपली पता है जो हमारा वी ग्रूव होता है वो हमारा 90 डिग्री पे बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सीमिंग है, सीमिंग प्रोसेस है, और जो हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस है उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है बेंच वाइस, दूसरा ऑप्शन दिया है हैंड वाइस, तीसरा ऑप्शन दिया है स्टेक्स, और चौथा ऑप्शन है सीयर यानी कि कर्तन। तो जो हमारा सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए हमारा स्टेक्स यानी कि जो टेकें होती हैं तरह तरह की, उनका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे पूछा है कि सरफेस गेज में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस गेज है इसमें जो एक्स के फॉर्म में चिन्हित रूप जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो सरफेस गेज होती है उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जब लेथ में हम फोर्जा चक में किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो उसको उस वस्तु को सेंटर पर सेट करने के लिए हमारा किसका उपयोग होता है, हमारा सरफेस गेज का उपयोग होता है। तो ये आपसे पूछा है ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्नग, इसको हम बोलते हैं स्नग, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे पूछा है मिलीमीटर के 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है, यानी कि मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो 1 माइक्रोन होता है ये कितने के बराबर होता है, ये 0.001 mm के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सीट मेटल बेंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो आपको ये पता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक तरह की स्टेक है, यानी कि स्टेक मतलब टेक, इसको हिंदी में बोलते हैं टेक। तो यही आपसे पूछा है ये किस प्रकार की हमारी टेक है, तो ये हमारी है ब्लो हार्न स्टेक, यानी कि ब्लो हार्न टेक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है स्निप में यक्ष रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, यानी कि जो एक्स से भाग दिखाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडल, ब्लैंक, स्टॉप्स या बोल्ट। तो इस भाग को हम बोलते हैं स्टॉप्स, यानी कि जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी स्निप आके रुक जाती है, इससे आगे नहीं जाती है, जिससे हमारी जो इसकी स्निप की धार होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी ख़राब होने से बच जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा है सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है, यानी कि जो हमारा सोल्डरिंग टूल दिखाया गया है फिगर में उसका क्या नाम है। आपको ऑप्शन दिया है ब्लो लैंप, पॉट एवं लेडल, सोल्डरिंग गन या सोल्डरिंग आयरन। तो जो हमारा फिगर में जो हमारा फिगर दिखाया गया है इसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग गन, यानी कि जो ऑप्शन होगा आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लंबी सीट मेटल को झुकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो लंबी सीट्स होती हैं उसको झुकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, किसका उपयोग किया जाता है, फोल्डिंग बार का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है सेंटर पंच का टिप का कोण कितना होता है, यानी कि सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो हमारा कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दिया है 120 डिग्री। तो जो इसमें आपको याद रखना है जो हमारा सेंटर पंच होता है उसका जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा है लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रेस्प कट फाइल, स्मूथ फाइल। तो लकड़ी की जो फाइलिंग होती है
उसके लिए हमारा रेस्प टीथ फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि जो लकड़ी होती है, क्या होती है, लकड़ी में हम फाइलिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव होता है। तो रिमूव मटेरियल को निकलने के लिए, स्थान देने के लिए, वो दांतों में भर के दांतों को मतलब जैम ना कर दें, कटिंग को रोक ना दें, इसके लिए हम रेस्प टीथ फाइल का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें दांते बहुत ही दूर दूर ऐसे ऐसे गोलाई में दांते बने होते हैं रेस्प फाइल में। अगर आपने लैब में काम किया होगा तो आपने लैब में देखा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा है कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो ये सिंपली आपको देखने में लग रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टैप रिंच है, और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा टैप लगा हुआ है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी जॉब है। तो ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये हमारा टैपिंग ऑपरेशन चल रहा है। और एक तरह से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि टैपिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं। तो टैपिंग ऑपरेशन में हम किसी जो हमारी जॉब रहती है उसमें मैनुअली यानी कि हाथों से क्या करते हैं, हाथों से हम थ्रेड काटने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है ऑड साइज के बोल्ट और नट्स को कसने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट सेट, नोज प्लायर्स, रिंग स्पैनर्स या एडजस्टेबल स्पैनर। तो अगर क्या होते हैं, ऑड साइज के बोल्ट और नट होते हैं जिनके साइज के हमारे स्पैनर नहीं आते, तो उनको कसने के लिए हम एडजस्टेबल स्नैपर स्पैनर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा है क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए हमारा पानी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब जो हमारी क्लास की जो आग की श्रेणियां हैं उसको चार भागों में बांटा गया है, हमारा ए, बी, सी और डी। ए में क्या होता है, जो हमारे लकड़ी, कागज, सूखे पत्ते, इन सब से लगी हुई आग आती है। तो इन सब से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब से लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का सिंपली इस्तेमाल कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा है जॉब पर ड्रिल किए गए होल, जॉब पर ड्रिल किए गए होल को झुकाने के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है। इसका फिगर भी आपको दिया है। तो जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो किस लिए उपयोग किया जाता है, ड्रिलिंग के लिए, रीमिंग के लिए, काउंटर बोरिंग के लिए या काउंटर सिंकिंग के लिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो काउंटर सिंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे पूछा है फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए हमारा सारडस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा सही हो जाएगा। सारडस्ट मतलब बुरादा, यानी कि आप लकड़ी का बुरादा इसे सिंपली बोल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सारडस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किनारों को ट्रिम करने के लिए हमारा बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा वो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा है वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक क्या है। तो आपको सब सिंपली पता है कि जो हमारी वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि वर्नियर के एक खाने, वर्नियर के मुख्य स्केल के एक खाने का मान बटे वर्नियर पर खानों की संख्या। क्या होता है, अल्पतमांक का फार्मूला हमारा यही होता है। तो जब 1/50 करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 0.02। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे पूछा है जॉब पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि ये जो फिगर में दिखाया गया है इसमें जॉब पर कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ऐसा ही एक ऑपरेशन हमने क्या देखा था, पिछले में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे जो ये यहाँ पे जो टूल दिखाया गया था उसमें क्या हुई थी, उसमें थ्रेड कटी हुई थी, यानी कि वो क्या था हमारा, वो टैप था।
तो यहाँ पे टेपिंग ऑप्शन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ये टूल दिख रहा है इसमें क्या है, इसमें हमारी थ्रेड नहीं कटी हुई है, तो ये हमारा टैपिंग ऑपरेशन नहीं है। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये है हमारा रीमिंग ऑपरेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका सही हो जाएगा। और रीमिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन में हम जो भी हमारा कोई पहले से होल किया हुआ है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम फिनिशिंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे पूछा है आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है। तो देखिए स्मूथनिंग जो एक प्रक्रिया है आग बुझाने की, जैसे हमारा स्मूथनिंग होता है, स्टर्विंग होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग पद्धति से क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। तो ये आपसे पूछा है जो स्मूथनिंग प्रक्रिया है उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम करते हैं CTC का डालना, सूखे पाउडर से छलकना, पानी का उपयोग, तापमान कम करना, या आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर आग जल रही है तो उसके जलने के लिए क्या चाहिए, उसके जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम क्या कर दें, अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें तो हमारी आग क्या होगी, हमारी आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने की यही प्रक्रिया, यही विधि हमारी क्या कहलाती है, स्मूथनिंग कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपसे पूछा है स्निप द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। स्ट्रेट कटिंग, यानी कि जो फिगर में आपको स्निप दिखाई गई है उसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। इसमें आपसे दिया है स्ट्रेट कटिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टील ट्यूब कटिंग, तीसरा ऑप्शन है ट्रिमिंग सिलेंडर, और चौथा ऑप्शन है कॉपर ट्यूब कटिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ट्रिमिंग सिलेंडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा है सिस्टम के उच्च और निम्न दोनों तरफ के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोनों तरफ के दाब को मापने के लिए गेज मैनिफोल्ड का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है गेज मैनिफोल्ड क्या है, गेज मैनिफोल्ड एक सिस्टम है जिसमें हमारे कई गेज लगे होते हैं, जो हमारे जो हमारा रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उसमें जो लोअर टेम्परेचर होता है उसको एक गेज मेजर करता है, और जो दूसरा गेज होता है वो हायर जो है प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। तो ये आपसे पूछा सिस्टम के उच्च और निम्न दोनों तरफ के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा गेज मैनिफोल्ड का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपसे पूछा है एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ एक लेग वाले कैलिपर का नाम जिसका दूसरा लेग मुड़ा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ, यानी कि ऑड लेग कैलिपर होता है, ऑड लेग कैलिपर मतलब उसके दोनों लेग बराबर नहीं होते हैं। तो ऑड लेग कैलिपर को हम और किस नाम से जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर को हम और जेनी कैलिपर से, और जो ऑड लेग कैलिपर का दूसरा और नाम है वो है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर एक लेग वाला हमारा कैलिपर है यानी कि ऑड लेग कैलिपर है तो उसके दो नाम और हैं, कौन कौन से दो नाम और हैं, एक है हमारा जेनी कैलिपर, एक है हमारा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपसे पूछा है मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो माइक्रोमीटर होता है उसका जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 mm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे पूछा है किस प्रकार के डेटम का उपयोग किया जाता है, विच टाइप ऑफ डेटम इज यूज्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि एज डेटम का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। देखिए मैंने वही आप जो अभी पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वही यहाँ पे आ गया कि जो स्टार्विंग क्या है, यानी कि जिसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्मूथनिंग में क्या कर रहे थे, स्मूथनिंग में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको हम रोक दे रहे थे, तो वही आपसे पूछा है कि जो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस ईंधन की वजह से हमारी आग जल रही है
क्या करना, उस ईंधन को ही हटाने की कोशिश करना। मान लीजिए अगर पेट्रोल से आग लगी हुई है तो पेट्रोल की आग को बुझाना आसान नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उस ईंधन को, जो ईंधन वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हटाने का प्रयास करेंगे कि हमारी आग और ना फैले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपसे पूछा है ट्यूब कटर के किस भाग का उपयोग तांबे की ट्यूब से बर निकालने के लिए किया जाता है। बर मतलब रेशे, जब हम कहीं कटिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके आसपास रेशे निकले होते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उसको हटाने के लिए हम रीमर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपसे पूछा है माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई वस्तु की मोटाई क्या होती है, यानी कि जो आपको फिगर दिया है उसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है कि जो है माइक्रोमीटर कितनी रीडिंग ले रहा है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा माइक्रोमीटर ले रहा है वो हमारा 13.63 जो है mm की रीडिंग ले रहा है। अगर आपको स्क्रू गेज का वो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज पढ़ना नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपसे पूछा है कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जो फिगर है हमारा ये, इसमें कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो सिंपल, आप इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, इसमें हमारा ऑप्शन चल रहा है पंचिंग। और पंच हमारे कितने प्रकार के होते हैं, पंच हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सेंटर पंच, एक होता है हमारा डार्ट पंच। सेंटर पंच से हम क्या करते हैं, सेंटर पंच से जब कहीं हमको ड्रिल होल या बड़े होल करने होते हैं तो हम वहाँ पर मार्किंग करते हैं, जबकि डॉट पंच से हम क्या करते हैं, जैसे लाइनों पर हमें कटिंग करनी है तो लाइनों पे हम हल्की 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 मार्किंग डॉट पंच के द्वारा कर लेते हैं। और पूछता है उसके बाद जो सेंटर पंच होता है उसका कोण कितना होता है, तो उसका कोण होता है 90 डिग्री। और जब आपसे पूछेगा कि जो डॉट पंच होता है उसका कोण कितना होता है, यानी कि पॉइंट एंगल कितना होता है, तो आपको बताना है उसका पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शन में, यानी कि जो RAC में इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने फिटिंग से संबंधित प्रश्नों को डिस्कशन किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है हमसे उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है, यानी कि जो उपकरण प्रयुक्त होता है उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मेगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपसे पूछा है विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, फैरेड, ओम, मीटर। तो आपको पता है जो विद्युत धारा की इकाई होती है वो होती है हमारी एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, यानी कि जो धारिता होती है हमारी उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है हमारी फैरेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपसे पूछा है केबल के इंसुलेशन को साफ करने और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हैक्सा, फार्मर चीजल, इलेक्ट्रीशियन नाइफ या कॉम्बिनेशन प्लायर्स। तो सरफेस को साफ करने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपसे पूछा है किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है, यानी कि एक निश्चित ध्रुवता होती है उसमें। तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डायरेक्ट करंट क्या होती है उसकी जो पोलैरिटी होती है क्या होती है, निश्चित रहती है, जबकि हमारी जो अल्टरनेट करंट यानी कि AC होती है उसकी जो ध्रुवता है वो प्लस से माइनस में लगातार चेंज होती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको चित्र में एक मोटर दिखाई गई है और आपसे पूछा है कि जो मोटर का प्रकार है वो क्या है, यानी कि जो चित्र में मोटर दिखाई गई है वो हमारी किस प्रकार की मोटर है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन मोटर हमारी चित्र में दिखाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपसे पूछा है डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर के साथ उपयोग की जाने वाली 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की अधिकतम क्षमता क्या हो सकती है। तो जो अधिकतम क्षमता उसकी हो सकती है वो है हमारी
5 हॉर्स पावर, यानी कि वो 5 हॉर्स पावर की हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपसे पूछा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पूछा विद्युत, जो पिछले क्वेश्चन में इसने पूछा था, उसने पूछा था विद्युत धारा की इकाई क्या है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पूछा है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो इकाई क्या है, तो वो है हमारा वाट। वो विद्युत ऊर्जा की जो हमारी इकाई है वो क्या है, वो हो जाएगी हमारा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं। बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फेज टू अर्थ, दूसरा ऑप्शन दिया है फेज टू न्यूट्रल, तीसरा ऑप्शन दिया है पॉजिटिव टू निगेटिव पोलैरिटी, दूसरा है निगेटिव टू पॉजिटिव पोलैरिटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और जो तो ये किसकी ओर आकर्षित होगा, ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी ओर आकर्षित होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि निगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपसे पूछा है ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो एनर्जी मीटर में हमारा डिस्क बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक फिगर दिखाया हुआ है और आपसे पूछा है कि इस ज्वाइंट का क्या नाम है। तो इस ज्वाइंट का जो हमारा नाम है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपसे पूछा है बस बार के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बस बार के लिए हमारा सॉलिड कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, आपको और ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपसे पूछा है विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सा गुण सीमित रहता है, यानी कि विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सा गुण सीमित रहता है। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस सीमित रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपसे पूछा है ओम मीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, यानी कि जो एक्स भाग को दिखाया गया है ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शून्य सेट नोब, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का भाग है अभी हमारा वही चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपसे पूछा है मेगर मेगर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा था कि मेगर हमारा क्या करता है, अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी मेगर हमारा क्या काम करता है। तो आपसे पूछा है मेगर में एक्स रूप में चिन्हित भाग जो है हमारा उसका क्या नाम है। तो मेगर में जो एक्स रूप में चिन्हित भाग है हमारा, यानी कि ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं जनरेटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपसे पूछा है ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एसेसरीज, मतलब ये जो यहाँ पे एक्स रूप में दिखाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, यही इसी का नाम आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम चक की के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपसे पूछा है एकल या बहु स्ट्रैंड कंडक्टर में कौन सा जॉइंट बनता है। एकल या बहु स्ट्रैंड कंडक्टर में हमारा कौन सा जॉइंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि रेट टेल जॉइंट हमारा एकल या बहु स्ट्रैंड कंडक्टर में बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपसे पूछा है एक फेज मोटर के लिए किस प्रकार में उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन टार्क होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन सी वाइंडिंग का अधिक समावेश
होता है, तो रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर जो वाइंडिंग होती है उसमें उसमें हमारा कौन सा समावेश होता है, उसमें हमारा रन का समावेश अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपसे पूछा है, इसमें फिगर आपको दिया है कि यह चिन्ह किस घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो चिन्ह है ये हमारे कैपेसिटर जो होते हैं तरह तरह के, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात आपको भी पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपसे पूछा है, स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस वाइंडिंग में कम प्रतिरोध होता है, यानी कि रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या कॉमन वाइंडिंग। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है वो 58। इसमें आपसे पूछा है, गिमलेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। गिमलेट में जो हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इस भाग का नाम है फीड स्क्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 हमारा। इसमें आपसे पूछा है, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में हमारा स्क्वायरल केज हमारा जो रोटर होता है उसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैटरी को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, यानी अगर आउटपुट को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम बैटरी को सर्किट में कैसे जोड़ेंगे। तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल में, तीसरा ऑप्शन है जिग जैग में, और चौथा ऑप्शन है वैकल्पिक पोल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि बैटरी को हम किस में जोड़ेंगे, बैटरी को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइनों में किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसका फिगर भी आपको दिया हुआ है, तो हमारा प्रयोग किया जाता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है, यानी कि जो हमारी वास्तविक शक्ति होती है, ट्रू पावर होती है, उसको कौन इंगित करता है, कौन बताता है, तो उसको हमको हमारा बताता है वाट मीटर। वाट मतलब क्या, वाट किसका मात्रक है, तो आपको पहले ही पता है वाट हमारा शक्ति का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपसे पूछा है, यदि एक सर्किट में 10 ओम रजिस्टर के माध्यम से 2 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाई वोल्टेज क्या है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसको आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप अपना इस पर न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है, विद्युत सर्किट में, यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपसे पूछा है, विद्युत सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है, यानी कि ओम्स लॉ, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम। तो ये जो नियम होता है ये होता है हमारा ओम का नियम। वोल्टेज करंट वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है हमारा IR, और ये किसका नियम है, ये हमारा ओम का नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपसे पूछा है, मोटर में स्टेटर फील्ड स्पीड के संबंध में रोटर गति क्या होती है, यानी कि मोटर में जो स्टेटर होता है उसकी फील्ड के स्पीड के संबंध में रोटर की जो गति होती है वो हमारी क्या होती है। तो वो हमेशा होती है स्टेटर गति से कम, हमेशा स्टेटर गति से क्या होती है, हमेशा स्टेटर गति से कम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया है, फिर न्यूमेरिकल है हमारा, कि विद्युत सर्किट में लोड प्रतिरोध क्या है यदि करंट 2 एम्पियर और सप्लाई 10 वोल्ट हो। तो ये आपके ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं। आपको आर निकालना है, आपको वी दिया है, आई दिया है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 5 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है, एल्यूमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच ऑक्सीकरण से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया
किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है ए पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन दिया है चपड़ा यानी कि सैलेक, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको मिट्टी का तेल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हम किसका उपयोग करते हैं, हम ग्रीस का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें आपसे पूछा है कंप्रेसर मोटर की स्थिति क्या है यदि ओम मीटर कॉमन एवं शुरू टर्मिनलों पर अनंत पड़ता है। तो इसमें मोटर की किस कंप्रेसर मोटर की स्थिति क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी क्या है, वो हमारी ओपन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर अगर हम क्या डाल दें, पानी डाल दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कम हो जाती है, दूसरा बढ़ जाती है, तीसरा बराबर हो जाती है, और चौथा ऑप्शन वही रहती है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा है दो रजिस्टर R1 और R2 किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा सिंपल वाला सीरीज वाला फार्मूला पता है यानी कि R1 + R2 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपसे पूछा है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है फिर भी मैं पढ़ देता हूँ और आपको मैं सही आंसर बता दूंगा, आप अपना इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यह है हमारा जब ओम मीटर AB बराबर 10, AC बराबर 15, BC और BC बराबर 25 ओम हो तो सामान्य टर्मिनल कौन सा होता है। अगर मोटर टर्मिनल ABC है तो सामान्य टर्मिनल यानी आपको जनरल टर्मिनल बताना है, तो टर्मिनल ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जनरल टर्मिनल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। अब जो इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन होता है रेफ्रिजरेशन का, उससे जुड़े प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या होते हैं। तो निष्क्रिय घटक होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपसे पूछा है इंडक्टेंस की इकाई क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो इंडक्टेंस की इकाई होती है वो होती है हमारी हेनरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपसे पूछा है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए हमको आवश्यकता होती है 4 डायोड की, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें आपसे पूछा है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग आईसीज, यानी कि जो आईसीज को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो हम बनाने के लिए उसको किसका उपयोग करेंगे, हम जो कोई भी हमारा अर्धचालक रहेगा जैसे सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम रहेगा, हम उसका उपयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन सही हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो सर्किट है वो हमारी क्या है। तो ये है हमारी सर्किट, पूछा है जो हमारी ये सर्किट है इसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन दिया है ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, तीसरा ऑप्शन दिया है फुल वेव रेक्टिफायर, और चौथा ऑप्शन दिया है क्वार्टर वेव रेक्टिफायर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये किस तरह का सर्किट है, ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा है घटक का नाम क्या है, यानी कि जो फिगर में आपको दिखाया गया है उसका क्या नाम है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड। तो जो हमारा ये फिगर दिखाया गया है ये हमारा डायोड का फिगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आपसे एक घटक दिखाया गया है यानी कि कंपोनेंट दिखाया गया है, ये पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं।
इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 78 है, पहला ऑप्शन दिया है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन दिया है कैपेसिटर, तीसरा ऑप्शन दिया है इंडक्टर और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा रजिस्टर। जो हमारा फिगर है उसे हम बोलते हैं इंडक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, यानी कि जो आपको उपकरण दिखाया गया है उसका क्या नाम है। तो ये हमारा है सोल्डरिंग आयरन। आयरन इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम सोल्डरिंग के लिए करते हैं। और आपसे पूछता है सोल्डरिंग हमारा किस तरह का ज्वाइंट है, तो सोल्डरिंग और बेचिंग दोनों हमारे एक अस्थाई ज्वाइंट हैं, यानी कि परमानेंट ज्वाइंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का क्या नाम है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें फिगर दिया हुआ है, तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा है कि जो ये घटक है हमारा इसका क्या नाम है, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो आपको पता है ये हमारा जो फिगर है ये हमारा कैपेसिटर का फिगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपसे पूछा है जो घटक दिखाया गया है उसका क्या नाम है। तो ये हमारा जो घटक दिखाया गया है उसका नाम है FET, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि जो इसमें जो प्रतीक दिखाए गए हैं वो किसके हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि डायक, जो हमारा डायक होता है ये उसी के प्रतीक दिखाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें आपसे पूछा है घरेलू RAC प्रणाली में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के साथ उपयोग की जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, किलो ओम, माइक्रो फैरड, मिली हेनरी या मिली एम्पियर। तो जो हमारी जो कैपेसिटेंस की इकाई है वो क्या है, वो है हमारी माइक्रो फैरड, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, इसमें आपसे पूछा है यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाए तो उसे कैसे कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो उसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इसमें आपसे पूछा है डायोड बनाने के लिए किस सेमी कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, इस्पात, सिलिकॉन, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपको सिंपली पता है जो हमारा इसमें से अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, वो है हमारा सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें आपसे पूछा है संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है। पहला सिग्नल डायोड, दूसरा है जेनर डायोड, तीसरा ऑप्शन है रेक्टिफायर डायोड और चौथा ऑप्शन है स्विचिंग डायोड। तो संचार सर्किट के लिए हम सिग्नल डायोड का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में हमारा SCR का उपयोग किया जाता है। इसको आप सिंपली आपको पता ही होगा, इसलिए पहला ऑप्शन जो है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, इसमें आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 88 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले जो सक्रिय घटक है, यानी कि जो फिगर दिखाया गया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक का क्या नाम है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर, डायोड और SCRs का उपयोग जो हम किसके करते हैं, सक्रिय घटक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90,
इसमें आपसे पूछा है कौन सा डिवाइस एक निरंतर डीसी आउटपुट रखता है, यानी कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो निरंतर डीसी आउटपुट मेंटेन रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या करते हैं, एक निरंतर डीसी आउटपुट मेंटेन रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपसे पूछा है वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है, यानी कि जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो जेनर डायोड है वो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर घटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपसे पूछा है जेनर डायोड का वोल्टेज ब्रेक वोल्टेज जो रेंज होती है वो क्या होती है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3 से 18 वोल्ट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपसे पूछा है जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड बनाने के लिए हमारा किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड बनाने के लिए हमारा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें आपसे पूछा है एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है उसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमी कंडक्टर घटक का क्या नाम है। तो आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है SCR, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्राइक, तीसरा ऑप्शन दिया है कैपेसिटर और चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ट्राइक होता है वो यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का क्या नाम है, यानी कि जो घटक दिखाया गया है, जो कंपोनेंट दिखाया गया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ट्रांजिस्टर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें आपसे पूछा है फैरेड में 1 माइक्रो फैरेड के बराबर कितना होता है, यानी कि जो 1 माइक्रो फैरेड किसके बराबर होता है। तो 10 से जो 6 फैरेड है वो किसके बराबर होता है, वो 1 माइक्रो फैरेड के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इसमें आपसे पूछा है 2 डायोड और 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, जो वोल्टेज को कम करने का काम करता है उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। के साथ एसी और डीसी पावर सप्लाई में परिवर्तित करने की विधि क्या है, तो उसे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपसे पूछा है कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो हम देखते हैं पहले इसके विकल्प पे, यानी कि इस समय जो ये चित्र में फिगर दिखाया गया है इसमें आपसे पूछा है इसमें कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है टेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है क्लीनिंग, तीसरा ऑप्शन है चार्जिंग और चौथा ऑप्शन है डिसचार्जिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये डिसचार्जिंग का ऑपरेशन चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे पूछा है जो चित्र में कंपोनेंट दिखाया गया है उसका क्या उपयोग है। तो ये हमारा जो चित्र में कंपोनेंट दिखाया गया है ये है हमारा रजिस्टर, और ये क्या करता है, ये करंट को सीमित करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने RAC से जुड़े जो हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने क्या किए, डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।